फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता प्रसाद है। आज मैं आपको सेमैया के चाउमीन बनाने सिखाती हूँ। आइए देखते हैं इसके लिए क्या सामान लगेगा। ये सेमैया है जो कि मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। ये रोस्टेड है। इसके लिए लगेंगे ओनियन, पत्ता गोभी, मटर, शिमला मिर्च, गाजर, कटे हुए अदरक, हरी मिर्च, सॉल्ट और फ्राइड राइस मसाला और इधर दो तीन तरह का सॉस। आइए सबसे पहले इसमें हरी मिर्च डालेंगे, उसके बाद ओनियन डाल देंगे। थोड़े से भूनने के बाद हम लोग सारी सब्जियां फिर डालेंगे। अब थोड़े से भून चुके हैं, इसमें अब हम लोग पत्ता गोभी डालेंगे। इसके बाद मटर डाला मैंने, इसके बाद गाजर डाल दीजिए। कैप्सिकम डाला मैंने, सारे डाल दीजिए। थोड़ी सी सॉल्ट मैंने डाल दी है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिए ताकि ये थोड़ा नरम पड़ जाए। पड़ चुकी है, इसमें हम लोग जिंजर डालेंगे। एक चम्मच के आसपास मैंने डाला है। और इसे भून लेने के बाद इसमें ये चाउमीन डालेंगे। सारे मैंने डाल दिए हैं। तो आराम से मिला लीजिए। आंच मैंने कम कर रखे हैं ताकि थोड़ी सी और ये भून जाए। क्योंकि ये रोस्टेड है इसीलिए इसको ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम लोग थोड़ी थोड़ी ये सोयाबीन सॉस आधा चम्मच, टमाटो सॉस आधा चम्मच, चिली सॉस वो भी आधा ही चम्मच, इसको भी धीमे आंच पर भूनते रहें। चुका है इसमें अब हम लोग आधा से थोड़ा ज्यादा चम्मच हम लोग फ्राइड राइस मसाला डालेंगे। वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसको डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी पानी डाल देंगे, आधा गिलास के आसपास, और इसको मिलाकर हम लोग एक से दो मिनट के लिए ढक देंगे। अब ये बन चुका है। आइए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। इसे कटे हुए टमाटर और धनिया पत्ते से सजा। तो देखा दोस्तों आपने, घर पर ही कितनी आसानी से ये सेमैया वाली चाउमीन बन गई चाइनीज। मेरी बनाई ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लाइक कीजिए। थैंक यू।